अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल का आगाज़ होने वाला है, तो इसकी खुशी में मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है वो ये हैं: 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून मिल्क, 3 अदद अंडे, 5 टेबलस्पून शुगर, 1 कप मैदा, फ्रेश क्रीम और वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अब हम ब्लेंडर में कोको पाउडर, शुगर, अंडे और 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करके इसको 2-3 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे अच्छे से। अब हम ब्लेंड पेस्ट को एक बाउल में ऐड कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदे को हाफ हाफ करके ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिए, एक साइड को ही हमने इसको मिक्स करना है। अब हम बाकी का मैदा इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस ध्यान रखना इसमें कोई लम्स ना रह जाए। पेस्ट हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। अब हम किसी भी शेप का मोल लेंगे, मेरे पास हार्ट शेप का है तो मैं वही यूज़ करूँगी। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और बटर पेपर इसके ऊपर रख देंगे और इसमें शामिल कर देंगे हमारा पेस्ट जो हमने रेडी किया है। याद रखें, इसको बटर पेपर के ऊपर से भी और नीचे से भी अच्छे से ग्रीस करना है ऑयल के साथ। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे पेस्ट अपना सारा। देख ले, इतना थिक होना चाहिए हमारा पेस्ट, तब भी अच्छा केक बनेगा। अब हम बैटर का पेस्ट अच्छे से मेंटेन करेंगे। अब हम एक पतीले में नमक ऐड करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे अच्छे से और कोई भी कटोरी रख के इसके ऊपर अपना केक रख देंगे रेडी होने के लिए। फुल लो फ्लेम पर हम 40 मिनट्स के लिए अपने केक को अच्छे से पकाएंगे। तो हमारा केक रेडी हो चुका है। अब हम इसको पतीले में से निकाल लेंगे। तो हमारा केक रेडी हो चुका है। मैंने इसको मोल में से निकाल लिया था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं केक के ऊपर चॉकलेट सिरप को ऐड करूंगी। ये मैंने घर में ही बनाया था। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूंगी। चॉकलेट सिरप को मैंने केक के ऊपर ऐड कर लिया है। चॉकलेट को मैंने ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा पसंद की जाती है। आप कम भी ऐड कर सकते हैं। केक हमारा रेडी हो चुका है। मैंने क्रीम के साथ हैप्पी न्यू ईयर लिख लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा ये नया साल रहमतों, बरकतों, नेमतों से भरपूर हो। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।